Hello students, let's start with our new chapter of grammar, okay? Now we will start our second chapter of grammar, nouns. What is nouns? First, I will like to explain you the meaning of noun. Noun is a word that name a person, animal, place or things. A things mean including anything. We can think of any idea, stage, quality, एक्शन फीलिंग्स एक्सेट्रा. नाउंस में क्या होता है, कोई भी नाम होता है, कोई भी इंसान का, जानवर का, जगह का, कोई भी सामान का, कुछ भी हो सकता है इसमें नाउन में, ठीक है. कोई स्टेट हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, या फिर क्वांटिटी भी हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, न्यू दिल्ली इज़ अ बिग सिटी. न्यू दिल्ली क्या है? बिग सिटी. ये भी एक एग्जांपल है. इसमें एग्जांपल क्या हुआ, नाम क्या हुआ, न्यू दिल्ली सिटी, ठीक है. न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एक सिटी का नाम है. तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो एक नाउन है, एक जगह का नाम है. फिर देखो, द डॉक्टर, एक डॉक्टर भी एक जगह का नाम है, एक इंसान का नाम है, ठीक है. वेरी गुड. अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ नाउन. कितने काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं? तो वहाँ पे देखो, प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. एस, इसमें कोई भी पर्सन का नाम होता है, कोई भी एक इंसान के. पर प्रॉपर मतलब क्या, एक चीज़ के बारे में. जैसे कि हिंदुस्तान टाइम, तो मतलब एक न्यूज़पेपर के बारे में बता रहे कि ये कंपनी का पर्टिकुलर. राम, राम एक इंसान का पर्टिकुलर नेम है. तो इन शॉर्ट, प्रॉपर नाउन में क्या होगा, किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी जन का, जगह का, प्लेस का, सामान का प्रॉपरली नाम दिया गया होगा. जैसे टोनी है, टॉमी है, ताजमहल है, इससे पता चल रहा है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. और मोस्टली कैपिटल में लिखा जाता है कॉमन नाउन्स. जैसे टॉमी का देख लो, टी, टी कैपिटल में लिखा है टॉमी. फिर ताजमहल का देख लो, टी कैपिटल में लिखा है, राइट. मोस्टली कॉमन, कॉमन, प्रॉपर कॉमन में क्या होता है, वो जब वर्ड्स होते हैं कैपिटल, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में होता है. अभी हम, लेट्स गो विद द कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? इट्स रिफर टू द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन. ये कॉमन नाम होता है, जैसे सबको दिया जाता है, जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया. जैसे पर्सन को दिया जाएगा, थिंग को दिया जाएगा, प्लेस और ऑफ द सेम कैटेगरी, एक ही जगह के, ठीक है. न्यूज़पेपर इज़ एन कॉमन नाउन. न्यूज़पेपर क्या होगा, हर कंपनी का न्यूज़पेपर आ जाएगा. जैसे द हिंदुस्तान टाइम इज़ अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर में क्या होगा कि एक कंपनी का नाम हम स्पेसिफाई किया होगा कि ये कंपनी हिंदुस्तान का है ये. और न्यूज़पेपर क्या, कोई भी कंपनी का न्यूज़पेपर हो सकता है, ठीक है. जैसे कि बॉय, बॉय में कोई भी बॉय आ सकता है, वो कॉमन हो गया. लेकिन अगर हम नाम लेते हैं रामा, तो पता चलता है ये प्रॉपरली इस इंसान को बुला रहे हैं, ठीक है. जैसे कंट्री, तो कोई भी कंट्री आ सकती है. और हम पर्टिकुलरली एक का नाम ले, जैसे इंडिया ले, तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि हम बता रहे कि हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. अभी देखो, अभी हम कलेक्टिव नाउन में देखें. व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? इट्स रिफर्स टू द नेम ऑफ अ कलेक्शन. इट्स रिफर टू द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेक टूगेदर एंड स्टॉप, है ना. इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती, एक दो चीज़ नहीं होती, बहुत सारी. जैसे डॉग नहीं होता, डॉग के बच्चे, बहुत सारे पीले पपीज़ है. इसमें फ़ोटोज़ में देख सकते हो, तो लिटरल्स ऑफ पपीज़ दिखेंगे, राइट. फिर ये देखो, गैंग होता है. किसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो गैंग ये सब ग्रुप में होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है ये कलेक्टिव में, ठीक है. चलो इसका देखेंगे. ये देखो, सम कॉमन कलेक्टिव नाउन्स. इसने अभी कॉमन के एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि पीपल का क्राउड होता है, भीड़ को क्या बोलेंगे, क्राउड, है ना. तो ये सब ग्रुप होता है. बर्ड के ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्लास. स्टूडेंट के, स्टूडेंट्स जहाँ बैठते हैं उसे क्या बोलेंगे. ये सब कॉमनली वर्ड्स यूज होते हैं, जो सब चीज़ के लिए होता है, ठीक है. अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इट्स रिफर टू द क्वांटिटी. इट्स रिफर टू द क्वांटिटी कंटेंट ऑफ स्टेट्स. इसमें क्या होता है, पीपल, पर्सन, प्लेस. इसमें पर्सन, प्लेस और थिंग्स वन कैन नॉट बीन सीन. उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. एब्स्ट्रैक्ट को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट वो फील कर सकते. जैसे कि काइंड हो गया, चाइल्ड हो गया,
चाइल्डहुड अपना अपन बचपना को देख याद कर सकते लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। हॉनेस्टी जैसे ईमानदारी हो गया, ये सबको हम फील कर सकते लेकिन टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। ठीक है, देखो देखो इसमें सारे बहुत एग्जांपल है। काइंड है, काइंड को हम देख सकते नहीं लेकिन उसको फील कर सकते कि वो इंसान कितना काइंड हार्टेड है, काइंडनेस से भरा हुआ है। हॉनेस्ट हो गया, एक्ट हो गया, ये सबको हम फील करते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, अभी हम देख आपने आज हमने ये क्या देखा, सब काइंड्स ऑफ नाउंस देखिए। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग एंड नोट्स भी आपको आ जाएंगे जल्दी से। ठीक है बच्चों, वेरी गुड।